दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ऐसे वीडियो जो हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन है तो वो आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कोटापति बाबा टीके के इस सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताते हैं, उन चीजों की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं जिस पे हो सकता है कि आपको डाउट हो कि वो काम करेंगे या नहीं। ये चीजें बहुत पॉपुलर होती हैं इंटरनेट पे, आप इनको जो टीवी शॉपिंग के एड्स में भी देख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो काम करेंगे या नहीं। कुछ टाइम पहले हमने एक प्रोडक्ट जो कि मॉस्किटो ट्रैकर था उसको अनबॉक्स किया था और हमने पाया था कि बिल्कुल भी काम का नहीं है। अब हम देखेंगे आज ये जूसर। जी हाँ, ये मैंने एक जूसर एक ऑर्डर किया है और डाउट रहता है कि इससे उतना जूस निकल पाएगा या नहीं जितना हमें टीवी में दिखाया जाता है। तो आज इसकी टेस्टिंग होगी यहाँ पर। तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है ऑनलाइन और आपको मैं पहले से बता दूँ, इसका ये जो सेगमेंट है ये ऐसे अलग आता है और इसमें जोड़ना पड़ता है, इसको यहाँ से आपने इसे जोड़ा और इसे ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। इसके साथ आपको एक ये मिलेगा, इससे आप इसे पुश करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसे पुश करेंगे, कोई भी चीज़ आप डालेंगे और क्या क्या जूस निकल सकता है, कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, उसकी क्या क्वालिटी है और उसमें वेस्टेज कितना होगा, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ से आपका वेस्ट निकलेगा और इसमें आपको मिलेगा आपका जूस। इस जूसर को यूज करने से पहले इसका सबसे पहला फीचर ये है कि आप ये देख रहे होंगे, आप इसको इसके बगल में आपको एक ही नॉब मिलेगा। नॉब का काम ये है कि ये जो यहाँ पे रबड़ है इसको सक्शन का काम करता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है जब इससे हम घुमाते हैं तो वो ये वैक्यूम क्लियर कर, वो एक वैक्यूम जो है क्रिएट करता है और जिससे वो अपनी जगह पर ये रुक जाता है। जैसे कि मैंने इसको घुमाया यहाँ से ऐसे और अब मैं इसे हिलाऊंगा, ये नहीं हिलेगा, भी हिलाओ ये नहीं हिलेगा। आपको मैं बता दूं इस तरह से अगर हम इसको यहां से ऐसे कर लेते हैं तो आप इसे हिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अपनी जगह पे फर्मली सेट करने के लिए इस नोब को घुमाना है ताकि ये अपनी जगह पे टिक जाए और फिर आप इसको जो है अच्छी तरह से यूज कर पाए। तो हम आज निकालने वाले हैं वाटरमेलन अनार, अनार का जूस निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर आपको अंगूर का जूस और इसके साथ हम निकालेंगे यहाँ पर मौसमी का जूस और साथ में निकालेंगे पाइनएप्पल का जूस। जी दोस्तों, तो आज हम निकालेंगे यहाँ पर वाटरमेलन, पाइनएप्पल, अंगूर का जूस, ये मौसमी का जूस और ये यहाँ पर अनार का जूस। तो देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी होगी और कितनी क्वान्टिटी में ये निकल पाएगा। तो हमारे पास ये कटा हुआ पहले से वाटरमेलन है, इसको इसमें डालेंगे किक करके और इसे कितनी आसानी से इसका जूस जो है निकल रहा है, जैसा मैं सोच रहा था उससे बहुत अच्छी तरह से जो है जूसेस जो है इसके निकल रहे हैं। इसके पल्प के लिए एक यहाँ पर और रख लेते हैं। इसमें हमें ये भी देखना जरूरी है कि इसमें कितना हम वेस्ट पा रहे हैं, ये वेस्ट कितना हो रहा है। दोस्तों, अब हम निकालेंगे मौसमी का जूस, वो जूस बड़ा आसानी से निकल गया था और अब देखते हैं कि मौसमी अगर हम इसमें डालते हैं तो उसको इतनी आसानी से निकाल पाएंगे या नहीं। देखिए मौसमी का जूस भी निकल रहा है और डाल देते हैं जो उसी ऊपर से पुश करेंगे। आपको बता दूं ये पहले से ज़्यादा हार्ड है और यहां से पल्प आप देख रहे हैं, पल्प जो है पूरा निकल रहा है। वाकई में जैसे मैंने सोचा था उससे बढ़िया ही रिजल्ट है इसमें निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो पल्प निकल रहा है यहां से बिल्कुल लगभग सूखा हुआ पल्प निकल रहा है।
ये जो पल्प निकल रहा है आप देख रहे हैं, ये मौसमी का निकल रहा है और बिल्कुल लगभग सूखा ही है, तो रिजल्ट इसका मौसमी के लिए भी अच्छा है। लगभग दो मौसमी में हमारा एक गिलास भरा है। अब हम अनार का जूस निकालेंगे। अनार का जूस इसमें डाल दिए अनार, जूस निकालने चाहिए। ये वाह, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आप आ रही है यहाँ पर ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स का जूस भी निकलता है कैसे देख लेते हैं। डालते हैं इसके अंदर थोड़े से ग्रेप्स और हम ये निकालने इसका चक दिया। ये निकल ग्रेप का जूस और ये है हमारा पल्प। वही बेहतरीन रिजल्ट। और अब देख रहे हैं किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। और जैसे ही निकलना यहाँ से शुरू होता है तो आपको देखेगा ये जो जूस है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जैसे ही ये जो सेगमेंट खाली होता है वो ये पल्प जो है आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों ये तो हमने निकाल लिया यहाँ पर चारों हमारे पल्प का जूस और ये क्वांटिटी जो है वो निकली है हमारे एक छोटे पाइनएप्पल में। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो जूस है वाटरमेलन में निकला था, उसके बाद सबसे कम जो निकला वो हमारे ग्रेप्स में निकला। बट उसमें इसकी तरफ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं उसका जो पल्प निकला है वो लगभग सूखा ही हुआ है। देख रहे लगभग ये मौसमी का बिल्कुल सूखा ही हुआ है। हालांकि सबसे टाइट जो फ्रूट हमने यूज़ किया था वो मौसमी थी और उसमें सबसे बेहतरीन जो है रिजल्ट जो है इसमें निकला है। तो दोस्तों मेरी तरफ से मेरे को लगता है कि ये जो घर के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जब हम देखते थे ऑनलाइन या फिर टीवी पे ऐड पे तो लगता था कि इसके अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जालियां काम ना करें, हो सकता है कि इतना ज़्यादा फ्रूट का जूस ना निकले या फिर वो कुछ ट्रिक करते होंगे। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप बाजार से परचेज कर सकते हैं, अच्छा जूस निकलेगा, क्वालिटी जूस निकलेगा। और सबसे अच्छी बात, आप घर पे अपने फ्रूट्स लाके खुद जूस निकाल सकते हैं बाहर लाने के बजाय। बाहर से आप अगर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको हाइजीन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, और आज का तो कोरोना काल चल ही रहा है, तो आप अपने जो फ्रूट्स हैं उनके जूस घर पे निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जूसर है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपको मिल सकता है। इसको खरीदने का लिंक दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई चीज़ में अगर आपको डाउट है तो
उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम उसके अनबॉक्सिंग और उसका यूज करके दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही मजेदार और जानकारी वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।